वालेकुम मैं हूँ फरत अब्बास शाह और आप देख रहे हैं लाहौर टीवी और मेरा फेसबुक पेज कहते हैं कि जंग शुरू करना तो आपके बस में होता है लेकिन फिर जंग ख़त्म अपनी मर्ज़ी से होती है वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती वक्त के हालात के वाकयात के और ख़ुद जंग के हाथ में होता है कि उसने कब ख़त्म होना है और कब जारी रहना है कब तक इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि उसमें अंदरूनी खलिफशार और इंफॉर्मेशन के ज़रिए प्रोपेगंडा के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए वॉर करना ये भी उसका एक हिस्सा है फिफ्थ जनरेशन के ज़रिए ग़लत इतलात नफ़रत तबाही मखासमत लड़ाई झगड़ा इस वक्त हुआ ये है कि वो जो 9 नौ मई वाला नाइन फ़ाइव का जो वाक़ हुआ उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ वाकयात ऐसे हुए कि जो बुनियाद बन गए हैं एक अजीब व गरीब नफरत के ख़ास तौर पर ख़वान को उठाया जाना खवतान की बेहरमती फिर रेप की बातें और धमकियाँ थप्पड़ ये पूरे सोशल मीडिया इस वक्त ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है कि जिसमें पुलिस वालों का तशद दिखाया जा रहा है बही कि मेरे जैसा जो कमज़ोर दिल का आदमी है वो तो देख ही नहीं सकता नंबर वन पे मैं ये इसलिए रख रहा हूँ इस जो पुलिस वाला वाक़ और सूरत हाल ये तमाम वाक़ आते हैं जो पुलिस वाला एलिमेंट है कि इसके असरा इतने गहरे हैं और इन्होंने ऐसी जगह पर जा के किया है नफ़रत पैदा किया है कि जिसका रद्द अमल बहुत खौफनाक आ सकता है एक तो ये है अच्छा पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें एक तो एलिमेंट जो है अवाम है जो आम आदमी हैं आम लड़के हैं वो कोई ख़ास नज़रियाती भी नहीं हैं हो सकता है उनमें से कई पी टी आई के वर्करों इमरान के कुछ ऐसे ही हैं जो बस मुँह उठा कर चल पड़ते हैं कि सारे लोग चल पड़े अब वो उन वीडियो बना ली कहीं से शेयर कर ली कहीं से मिल गई सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और अपने अकाउंट्स चम चमकाने के लिए लोग जो है वो उसको शेयर दर शेयर करते रहते हैं री करते रहते हैं रीअपलोड कर देते हैं एक तो अवाम आम आदमी दूसरा पीटीआई का सपोर्टर पीटीआई का वोटर जिसको ये जो टूट फूट हुई है अब ये जो तोड़ फोड़ हुई है पार्टी की इसका ग़म गुस्सा है कि ये हमारे साथ जो है वो किया क्या जा रहा है और जाहिर है कि ये तसर ये है इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि जबरन ये तमाम लोगों को जबरन और तशद के ज़रिए जबर के ज़रिए धमकीों के ज़रिए ब्लैक मेलिंग के ज़रिए उनको पार्टी बदलने पर मजबूर किया गया है जो भी है और जो आगे करेंगे ये तासर है ये उस तसुर के रिएक्शन में आके वो फिर जाहिर है कि वो फ़ौज के हवाले से पुलिस के हवाले से पीडीएम के हवाले से और इन में से एक और जो बड़ा लर्जा देने वाला है कि ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से लोग जो है वो अपनी दुश्मनी मखासमत और नफ़रत का इजहार करें एक एलिमेंट इसमें मजहबी भी अब आ गया है कि जो कराम हैं उन्होंने वाशगाफ़ अल्फाज में अपनी तकरीरें करना शुरू कर दी हैं और वो तकरीरें नशर भी हो रही हैं और वो फैलाई भी जा रही हैं और बिल ऐसे जैसे तूफ़ान आया पड़ा है जिसमें वो खुल के इमरान ख़ान को इस्लाम का और पाकिस्तान का एक और आवाम का तीनों के लिए मुखलस लीडर के तौर पर उसके हक़ हाँ में आवाज़ बुलंद करें और है कि जो फिर इमरान खान के मद्दे मुका खड़े हैं वो साफ लफ्ज़ों में या वाशाफ लफ्ज़ों में वो उनको मैसेज दे रहे हैं कि आपने इमरान ख़ान को जो नुकसान पहुंचाना है या पहुंचा रहे हैं या पहुंचाया है ये दरअसल इस्लाम को और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को और यानी हमारे अकायद को नुकसान पहुंच रहा है हम जो एक रियासत मदीना और इस्लामी रियासत का तस्व तस्वुर लेकर बैठे थे इससे वो डैमेज हुआ है अब एक एलिमेंट वो भी इसमें शामिल हो गया है जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और तरक् पसंद एलिमेंट है उसमें जो ख़ास तौर पर जो लोग हैं कराची से और खैबर पख्तनखा से जो हैं वो नज़रियाती तौर पर वो ख़ास तौर पर ये जो तरक्की पसंद एलिमेंट है या जो कराची लाहौर वगैरह के लोग हैं वो तो किसी जलसे जल उसमें अपनों में नहीं जाते लेकिन वह नजरियाती तौर पर उनका जो एक झुकाव है वो फ़ौज मुखालिफ होने की वजह से इमरान ख़ान के हक़ में हो गया और वो वो भी इस वारफेयर में कहीं कहीं का दुक्का शामिल है जबकि मेरा ये ख्याल है जिसमें मुझे कुछ चीज़ें एनालाइज करने का मौका भी मिला है एज ए पब्लिक पल्स एनालिस्ट कि जो खैबर पखतनख्वा है चूँकि वो पहले भी गढ़ रहा है हर तरह की दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा है लोगों के लिए आसान रास्ता रहा है जो बाहर से दहशतगर्द आते रहे तो वहाँ पर इस जो कम्युनिस्ट एलिमेंट है वो बाकी तमाम सूबों के नस्बत जरा थोड़ा ताकतवर है उनकी नज़रियाती जो हम आहंगी भी इधर और झुकाव भी इधर हो रहा है चौथा एक ऐसा एलिमेंट है कि जो जो जिसका जो है वो सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के साथ है उसमें भारतीय प्रोपेगेंडा भी उनके एनालिस्ट भी दीगर भी होंगे कहीं कहीं बैठे कुछ ख़ुद हमारे अंदर भी होंगे कि जो पाकिस्तान को कब से अंदरूनी तौर पर खोखला करने के ख्वाहिशमान है वो एलिमेंट तो बाकायदा एक नाकाम रियासत के तौर पर पाकिस्तान को पेट कर रहा है और वो यही कह रहा है कि जी ये पचहत्तर साल में ठीक नहीं हो सका तो अब कैसे ठीक होगा अब ये तमाम चीज़ें जब आप देखें तो सोचना पड़ता है कि ये क्यों शुरू हुआ था काम कब शुरू हुआ था उससे पहले नीचे क्या पक रहा था और वो जब सोचते हैं कौन किससे क्या कह रहा था तो उस वक्त लगता है कि ये कोई आज का मंसूबा यकदम ऐसे वो नहीं बन गया था पिछले साल एक साल के अंदर अंदर कोई ना कोई चीज़ पक रही थी और जिसमें जो मैंने बाहर के कुछ लोगों की तकरीर मतलब हुसैन हकानी साहब है शायद उनका नाम उनकी सुनिए वो किसी को बता रहे हैं किसी सी uh, की रिपोर्टर है या किसी और चैनल की उसको कह रहे हैं कि इस्लाम ये तो जिहाद लेकर आ जाएगा ये दहशत गर्दी इस्लामिक दहशत गर्दी या इस तरह का कोई उस पर इमरान ख़ान पे इज़ाम ला रहे हैं कि ये तो एक्सट्रीमिस्ट है और ये देखें उसने कहा किस तरह तुम कह रहे हो कहते हैं जी अल्लाह का नाम लेता है और कुरान की आयात सुनाता है और रियासत मदीना की बात यानी वो वहाँ पर जो एलिमेंट बैठा है उस वो लोगों को बता रहा था वहाँ अमरीकीियों को कि जी ये चूँकि मुसलमान है और एक इस्लामी इनकलाब लाना चाहता है या इसका झुकाव इस्लाम की तरफ है तो ये एक्स्ट्रीमिस्ट है और अगर एक्स्ट्रीमिस्ट है तो अब आपके नज़रिए से टकराता है इसलिए इसको उतारें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब शेयर री शेयर होती जा रही है और ख़ास तौर पर जैसे मुतरमा जना साहबा के हवाले से वो इल्ज़ाम टोटल उस वक्त की जो इस्टेबलिशमेंट है उस पर फिर भुट्टो के हवाले से फिर पुरानी तकरीरें नवाज़ शरीफ की और मरीम साहबा की या जो दूसरे ख्वाजा साहब ख़ास तौर पर और इनके फजल रहमान साहब और बहुत सारे जितने लोग जरनेलों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं जरदारी साहब वो सारी इतनी तेज़ी से रिपोस्ट हो रही हैं कि वो लगता है कि एक तूफ़ान बढ़ पाए और ये चीज़ चूँकि वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली होती है कि एक से दूसरा तीसरा चौथा और फिर शरायत करती जाती है नीचे बच्चों तक लड़कों तक नौजवानों तक आम लोगों तक तो ये अब मुझे ये लग रहा है मेरा अनालिसिस ये है कि इसको तमाम चीज़ों को जो ताकतवर हमारे हल्के हैं वो ये सारी चीज़ें समझें और इसको री एवेल्यूट करें किसी सतह पर कि क्या पाकिस्तान के लिए ये किसी तरह का थ्रेट बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा मुझे ये लगता है कि ये थ्रेट बन रहा है और खुदा ना खास्ता खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में जिन आ, लोगों के घरों पर धावे बोले गए हैं या उनकी चादर और चारदीवारी का तगदस मजरू किया गया है वो वहाँ वो बड़ा खौफनाक है उसमें मैं एक दफ़ा गया खैबर पख्तूनखा के एक दो पुलिस थानों में गया कुछ और लोगों से मिलना हुआ कि दोस्तों के साथ तो वहाँ मैंने कहा कि यार यहाँ पे उन्होंने लोगों ने भी बताया उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुलिस वाले किसी को गाली नहीं देते कोई मुलजम बड़ा हो छोटा हो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो किसी को गाली नहीं देते ये हमारा कल्चर है अब भी जो वीडियोज़ आ रही हैं लोग सीधा वाशगाफ़ अल्फाज में कह रहे हैं कि जी देखें हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे हमारे आप टुकड़े कर दें इसको हम और सतह पर लेंगे बर्दाश्त भी कर जाएंगे लेकिन जब आप हमारी घरों की तरफ हमारी नामोस और इज्जत पर हाथ डालेंगे तो फिर हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम अपने आप को लड़कर मौत के हवाले करें फिर हम इसका रिटेलिएट करें इसको जवाब दें हम आपको तो ये अमल इतना वो खौफनाक आ सकता है मेरी नज़र में कि ये सोच सोचना चाहिए ये जो ख़ास तौर पर हमारे हुक्मरान हैं और इस्टेबलिशमेंट को सोचना चाहिए पी डी एम वाले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें कोई खुश हों सोचेंगे या कोई उनको कोई परेशानी होगी इसकी वो उनके जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तो शायद इस हद तक बारीक बीनी से जायजा लेकर कुछ करने का ना मेरे ख़्याल है ना अहल है ना उनके पास कोई ताकत इख्तियार है तो पी डी एम की हकूमत का तो ये मौजू नहीं है तो फिर फिर आके के मलबा तो आएगा इस्टेबलिशमेंट पर तो इससे पहले कि ये चीज़ें और ज़्यादा खौफनाक हो जाएँ ये जहर फैल जाए इसका तजारक ज़रूरी है बहुत शुक्रिया